स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JLS फिल्मी न्यूज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एकदम खास फिल्म के बारे में और एकदम हटके जो फिल्म है, यानी जिस फिल्म का नाम है द न्यू लीजेंड ऑफ शॉलिन। इस फिल्म के बारे में जानकारी देंगे जो जेटली की फिल्म है। जी हाँ, आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे, पर आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल JLS फिल्मी न्यूज चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वहीं पर पास में दिखी वाले आइकॉन को भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर टाइम के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं द न्यू लीजेंड ऑफ शॉलिन फिल्म के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखिए तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस फिल्म का कौन सा ज़्यादा अच्छा सीन लगा, कौन सी ज़्यादा बेहतर फैट लगी और कौन सा कॉमेडी सीन ज़्यादा अच्छा लगा। जी हाँ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इस फिल्म की रिव्यू दे रहा हूँ। ये फिल्म मुझे बहुत बेहतर लगी। इस फिल्म का मुझे एक एक सीन बहुत अच्छा लगा और ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। यानी द न्यू लीजेंड ऑफ शॉलिन फिल्म ऐसी फिल्म है कि शॉलिन की बहुत सारी फिल्में मैंने देखी और आप लोगों ने भी देखी होंगी, पर जिस तरीके से ये फिल्म है वैसी आज तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जेटली बहुत बेहतर एक्शन करते हैं। पर जेटली तो करते ही करते हैं, पर जेटली के साथ में जो एक छोटा सा बच्चा रहता है उसके एक्शन बहुत जबरदस्त लगते हैं, बहुत फाड़ू एक्शन लगते हैं। यानी उस लड़के ने इस फिल्म के अंदर एकदम धमाल मचा के रख दिया था, एकदम बवाल काट के रख दिया था। यानी ये फिल्म के अंदर जेटली के साथ साथ उस लड़के ने इतनी अच्छी फाइट की कि अगर आप लोगों ने फाइट की ये फिल्म नहीं देखी है तो आप देखिए कितना बेहतर काम करता है वो लड़का इस फिल्म के अंदर। और जेटली का तो जवाब नहीं है, जेटली ने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया इस फिल्म के अंदर। यानी इस फिल्म के अंदर जेटली का लुक एकदम चेंज है, एकदम हटके लुक है इस फिल्म के अंदर। और जेटली ने इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छे एक्शन किए हैं। यानी इस फिल्म के अंदर जेटली ने शॉलिन स्टाइल में एक्शन किए हैं, जो शॉलिन की फिल्में रहती हैं उस टाइप से इस फिल्म के अंदर एक्शन है और बहुत हटके एक्शन है। कॉमेडी भी है, पर कॉमेडी से ज़्यादा बेहतर इस फिल्म के अंदर एक्शन है। इस फिल्म की कहानी भी बहुत जबरदस्त कहानी है। जो ये छोटा सा बच्चा रहता है बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत बेहतर काम करता है। यानी इस बच्चे की जितनी तारीफ की जाए इस फिल्म के अंदर उतना कम है। और इस फिल्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं फिलहाल सबके काम बहुत जबरदस्त हैं। एक एक कैरेक्टर अच्छे से लिया गया है और वो हर एक कैरेक्टर का काम बहुत फाड़ू है। यानी जो भी सीन देखेंगे आप बहुत अच्छा मिलेगा देखने को इस फिल्म के अंदर। और ये फिल्म की कहानी भी बहुत जबरदस्त कहानी है। यानी इस फिल्म के अंदर हर एक चीज अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। एक्शन का तो जवाब ही नहीं है, लाजवाब एक्शन की फिल्म है ये। द न्यू लीजेंड ऑफ शॉलिन फिल्म का नाम है, बहुत बेहतर फिल्म है। आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर